इस वर्ष भी सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी जो कि आज की तिथि है, आज से हम मृतक की चर्चा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। विक्रम संवत 1751 के बाद से आज तक निरंतर रूप से समस्त सुंदर साथ के समाज में मृतक की चर्चा सुनने का सुनाने का प्रचलन है, इसकी परंपरा है। इस मृतक की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मृतक क्या है। मृतक कोई कहानी नहीं है, कोई कथा नहीं है, किसी मानव का इतिहास नहीं है और न ही केवल घटनाक्रम है। ब्रह्म सृष्टियों के साथ परमधाम से लेकर ब्रज रास और जागने की समस्त लीलाओं को करते हुए पुनः परमधाम लौटने तक की समस्त घटनाक्रम को मृतक कहा जाता है। इसमें केवल एक व्यक्ति का इतिहास अथवा कहानी नहीं है। मृतक को दूसरे शब्दों में वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त किसे कहते हैं? वैसे तो हम इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, इसलिए शायद सबको पता हो, पुनरपि मैं दोहरा रहा हूं। वृत्त कहते हैं गोलाई को, जिसे अंग्रेजी में सर्कल कहा जाता है। आप अगर किसी कंपास में पेंसिल या पेन लगाकर सर्कल बनाना चाहें तो उसका तरीका क्या है? एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं और पुनः घूम करके उसी पॉइंट पर आकर के जब आप अपनी पेंसिल या पेन को रोकते हैं तब जाकर एक वृत्त पूर्ण होता है, एक सर्कल कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हमारे मृतक की शुरुआत कहाँ से होती है? अब कहो फेर के मूल मिलावे की मृतक। तो मूल मिलावे से हमारी मृतक प्रारंभ होती है और इस उदाहरण के आधार पर हमारे भीतर कहाँ जाकर पूरी होगी? पुनः मूल मिलावे में। इसका तात्पर्य यह है कि अभी भी भीतर चल रही है। हमने पिछले साल सावन का महीना समाप्त हो गया और वैसे तो हमने 2 महीने की भीतर सुनी थी। सुन करके पूर्णा होती तो कर दी, आरती कर दी, भोग लगा लिया था, लेकिन वह मृतक की पूर्णाहुति नहीं है। ये तो श्री लालदास जी ने लगभग 4300 चौपाइयों में संक्षिप्त रूप से जो वर्णन किया था, हमने उन घटनाक्रमों की चर्चा सुन करके उस चर्चा की पूर्णाहुति की थी, लेकिन मृतक की जो लीला है वो अभी भी चल रही है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्तमान में 6ठे दिन की लीला, ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा जागनी की लीला चल रही है। इसका तात्पर्य अभी भी मृतक की लीला सुचारू है। लालदास जी ने अपने हिस्से की मृतक लिखी, जिसमें भिन्न भिन्न पृष्ठों में भिन्न भिन्न ब्रह्मात्माओं के विषय में लिखा गया है। अब हमारे भीतर कोई दूसरा लिखने के लिए नहीं आएगा, हमारे भीतर हमें स्वयं लिखनी है। हमारे लिए राज जी ने इस तरह के कागज नहीं रखे हैं, हम सब की भीतर राज जी के हृदय में अंकित हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि अपनी मृतक को हम किस प्रकार से अंकित करवाना चाहते हैं।
इंद्रावती जी के नक्शे कदम पर चलकर हम उनके जैसे भी तक लिखवाते हैं, या लालदास जी का अनुसरण करके अनुकरण करके हम उनकी राह पर चलते हैं, या फिर बिहारी जी, नाग जी, संघ जी अथवा औरंगजेब जैसे अपने भीतर को लिखवाते हैं, ये हमारे हाथ में है। और वो कैसे, जिस प्रकार हम हर वर्ष भीतर सुनते हैं, केवल सुनने के लिए तो नहीं सुनते, किसी भी संप्रदाय को जानने के लिए उसके तीन पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है दार्शनिक पक्ष, एक होता है ऐतिहासिक पक्ष, और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। वीतक में वैसे तो तीनों का वर्णन है, क्योंकि श्री जी के जहाँ जहाँ पर उपदेशों का वर्णन आता है, देवचंद्र जी के द्वारा जहाँ जहाँ पर चर्चाओं का वर्णन आता है, वहाँ हमारे दार्शनिक पक्ष की बात की गई है। इसी प्रकार सुंदर साथ ने, देवचंद्र जी ने, मिहिरराज जी ने जैसी करनी करके दिखाई, जैसी रहनी को अपना करके दिखाया, वो व्यवहारिक पक्ष है। और पूरी वीतक में जितनी भी घटनाक्रमों का वर्णन आता है, जितनी भी तिथियों का वर्णन आता है, जितने स्थानों का, जितने पात्रों का वर्णन आता है, ये सभी ऐतिहासिक पक्ष है। तो इसलिए एक हिसाब से वीतक जो है वो सुंदर साथ के लिए इतिहास भी है। और इतिहास का तात्पर्य क्या होता है, जिसने लिखा है वह व्यक्ति उस समय के घटनाक्रम में मौजूद था, इसीलिए इसको इतिहास भी कहा जा सकता है। पर यह केवल मानवीय इतिहास नहीं है, और जब तक हम इसको इतिहास मान रहे हैं तो हमें एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि इतिहास हम क्यों सुनते हैं, इतिहास लिखा क्यों जाता है, हम पढ़ते क्यों हैं। इतिहास का तात्पर्य है भूतकाल का वर्णन कि उस समय ऐसा ही हुआ था। तो मनुष्य जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो दूसरे के द्वारा सीखता है, दूसरे की गलतियों से भी सीखता है, दूसरे की अच्छाइयों से भी सीखता है। वीतक हमें यह भी बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है, और साथ ही ये भी बताती है कि क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। वीतक हमें इंद्रावती जी के जैसे, आसबाई जैसे, लालदास जी, देवचंद्र जी और महिला सुंदर साथ में श्यामबाई, लालबाई, ललिता सखी, चंद्रावली सखी, ऐसे सुंदर साथ की रहनी को अपनाना सिखाती है, और बिहारी जी, औरंगजेब इत्यादि जैसी रहनी को छोड़ना सिखाती है। लक्ष्मीदास जी की जैसी हंसी कराने से रोकती है, मुकुंददास जी जैसे हंसी का पात्र बनने से रोकती है, ये हमारी वीतक है। अब इस वीतक की चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा यह भी जानना जरूरी है कि किन प्रसंग, किन परिस्थितियों में, कैसी अवस्था में वीतक ग्रंथ का अवतरण प्रारंभ हुआ, और दूसरा कि हम आज ही के दिन से वीतक की चर्चा प्रारंभ क्यों करते हैं। वैसे तो ये जरूरी नहीं है कि सावन वदी पंचमी से ही वीतक की चर्चा शुरू की जाए, लेकिन एक हमारे समाज में परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा का आधार ये है कि विक्रम संवत 1751 में आज ही के दिन अर्थात सावन वदी पंचमी से श्री लालदास जी ने अपना संपूर्ण समर्पण महामती जी को करते हुए इस वीतक का लेखन कार्य प्रारंभ किया था। पंचमी की तिथि से वीतक की चर्चा, वीतक लिखनी प्रारंभ की गई, लेकिन इससे पहले जो घटनाक्रम है वीतक के अवतरण का वो इस प्रकार है। 1740 में पन्ना जी में प्रवेश करने के बाद निरंतर 10 वर्षों तक
पन्ना जी में जो अष्ट प्रहर की सेवा हुई, सुंदर सात को श्री जी ने वाणी की चर्चा चितवनी और अपने अपना प्रेम देकर सभी सुंदर सात के हृदय में युगल स्वरूप की शोभा देखने की योग्यता जब बना दी। वैसे तो 1740 से 1751 तक 11 वर्ष होते हैं, लेकिन एक वर्ष श्री जी चित्रकूट में भी रहे हैं, तो इसलिए मैं 10 वर्ष गिन रहा हूं। और सावन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, जिसको हम तीज भी कहते हैं, उस तृतीया को श्री जी सुबह से समाधि अवस्था में बैठे हैं। समाधि अवस्था क्या होती है? ध्यान की जो गहनतम अवस्था है, उस अवस्था को समाधि कहा जाता है। जिस अवस्था में न तो शरीर का आभास रहता है, न संसार का ही आभास रहता है। जब प्राण वायु ब्रह्म रंध्र पर जाकर टिक जाते हैं, तो कई बार बाहर वालों को, सामान्य मनुष्यों को लगता है कि अब ये तन जीवित नहीं है, क्योंकि नाड़ी परीक्षण करने पर भी प्राण के कोई भी चिन्ह नहीं मिलते। जैसे आज तो मेडिकल साइंस अपनी तरक्की की उच्च अवस्था तक पहुंचा है, कोई व्यक्ति जीवित है कि नहीं उसके लिए ECG कराई जाती है, टेस्ट कराया जाता है, मेडिकल टेस्ट, और उसमें पता चलता है। लेकिन पुराने समय के जो वैद्य हैं या आज भी जो वैद्य हैं, आयुर्वेदिक जो इलाज कराते हैं, वे नाड़ी परीक्षण करके बताते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है, हार्ट बीट जिसको कहते हैं वो कितनी है, वो सब पता कर देते हैं। पर समाधि की अवस्था में हृदय की गति लगभग लगभग रुक सी जाती है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में एक स्वस्थ हृदय 72 बार यदि धड़कता है, तो समाधि की अवस्था में वह हृदय गति धीरे धीरे न्यून होती चली जाती है। इसलिए सामान्य मनुष्य उसका पता लगाने में अक्षम होता है। तो श्री जी समाधिस्थ हुए हैं, समाधि अवस्था में बैठे हैं, सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अब अष्ट प्रहर की बीतक में हम हर वर्ष सुनते हैं कि सुंदर सात किस प्रकार श्री जी की सेवा करते थे। कोई भी श्री जी के भोजन करने से पहले भोजन नहीं करता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि जो साक्षात अक्षरातीत मान करके जिनकी सेवा कर रहे हैं, जब उन्होंने ही नहीं खाया तो हम कैसे खा लें। इस भाव को लेकर किसी भी सुंदर सात ने तीज के दिन सुबह से कुछ नहीं खाया है। दोपहर का समय होता है, श्री जी की समाधि भंग होती है। देखते हैं कि सारे सुंदर सात उन्हें घेर करके पास में बैठे हुए हैं और दुखी हैं। और सुंदर सात के दुखी होने का कारण क्या है कि सुंदर सात को लगा कि जिसने हमारा हाथ थाम कर यहां तक पहुंचाया है, जिसने यहाँ पर बैठे बैठे हमें परमधाम के 25 पक्षों में विचरण कराया है, जो हमें जगाने स्वयं हमारे चौखट पर पहुंचा और जागृत करके हमें परमधाम के सुखों का रसास्वादन जिसने कराया है, सुंदर सात को लगा कि उन्होंने अपना तन छोड़ दिया, इसलिए सब सुंदर सात दुखी है। आज भी सुंदर सात समाज में ये मान्यता, ये शोक मनाया जाता है कि प्राणनाथ जी का धाम गमन हो गया है, विरह के प्रकरणों का गायन किया जाता है। जितने भी हमारे समाज के मंदिर है, वहां तीज और चौथ को उपवास रखा जाता है, भोजन नहीं किया जाता है, अथवा खिचड़ी बना करके खाई जाती है। लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? देखिए, देवचंद्र जी ने तन छोड़ा, उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन श्री जी अभी भी समाधिस्थ है। श्री जी ने समाधि ली है, उन्होंने तन नहीं छोड़ा है।
और हम ये कैसे मान लें कि प्राणनाथ जी हमें छोड़कर परमधाम चले गए। जो राजी ये कहते हैं कि रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिना। जो राजी हमें खेल दिखाने के लिए हमको खेल दिखावन काज हमसो आगो आए श्रीराज कहते हैं, वे राजी परमधाम क्यों जाएंगे, जाके वहां क्या करेंगे। परमधाम जाने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। और यदि राजी ही हमें छोड़कर परमधाम चले गए तो हमें जगाएगा कौन। यदि राजी हमें छोड़कर परमधाम चले गए हैं तो पन्ना जी को जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा क्यों कहा जाता है। वह धाम कैसे है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए धाम क्या है, जहां राजी है कि नहीं। जहां राजी है वही तो ब्रह्म सृष्टियों का धाम है। यदि पन्ना जी से प्राणनाथ जी ही चले गए, प्राणनाथ जी तो राजी है ना, जब राज्य ही परम धाम चले गए तो पन्ना जी धाम कैसे हुआ। इसका तात्पर्य क्या है, श्री जी अभी भी पन्ना जी में विराजमान हैं। तो सुंदर साथ ने भोजन नहीं किया, हाँ मैं भोजन की बात कर रहा था और भोजन की बात करते करते मेरे मन में कुछ विचार आए। वैसे तो मैं पहले भी इस अपने विचार को प्रस्तुत करता रहा हूँ। देखिए उस समय जिन सुंदर साथ ने भोजन का त्याग किया था, उन्होंने भोजन सोच करके नहीं छोड़ा था कि श्री जी नहीं खा रहे हैं और मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा भी नहीं सोचा था। भोजन की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया, छोड़ने की बात तो बाद में आती है ना। निषेध कहाँ होता है, जहां विधि हो। निषेध तो उसी का किया जाता है जिसका विधान हो। उन सुंदर साथ के मन में तो भोजन का विचार ही नहीं आया था कि ये सोचना पड़े कि आज हम भोजन नहीं करेंगे। हमारे मन में तो आता है ना, इसलिए हमने विकल्प चुना है। क्या विकल्प चुना है कि शोक तो हमें रखना पड़ेगा, विरह के प्रकरणों का पाठ तो करना पड़ेगा। हमने खिचड़ी खाने का विकल्प चुना है। इसका तात्पर्य हमें दुख नहीं है, क्योंकि दुख होता तो हम चुनते ही नहीं। सुंदर साथ ने भोजन न करने का भी विकल्प नहीं चुना था, क्योंकि सुन के मन में तो भोजन का ख्याल भी नहीं आया था। इसलिए चुनने और न चुनने का, खाने और मना करने का तो भाव भी नहीं था। और आज हम मस्तिष्क चलाते हैं, बुद्धि लड़ाते हैं कि आज के दिन प्राणनाथ जी हमें छोड़ करके गए थे तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, इससे क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि छोड़ करके नहीं गए हैं, और दूसरी बात कि यदि छोड़ करके गए होते तो आपने एक दिन खिचड़ी खा ली या एक दिन खाना नहीं खाया, इससे क्या हो जाएगा। क्योंकि राजी सच में हमें छोड़कर के चले गए तो सावन के कृष्ण पक्ष के तीज और चौथ को विरह करने से राजी थोड़ी मिल जाएंगे। फिर तो विरह ही यदि हो राजी से वियोग होने का, वो तो सोच करके नहीं होता है ना। प्रेम हो चाहे विरह हो, ये योजना के साथ थोड़ी हो सकती है। योजना बुद्धि से होती है और प्रेम में बुद्धि कार्य ही नहीं करती है। जब तक हम बुद्धि चला रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, उनसे तो हो गया था अनायास ही, तो वो अवस्था थी, वो हाल थी, वो रहनी थी। आज हम बुद्धि पूर्वक कुछ कुछ करते हैं दो दिन के लिए और शोक मनाते हैं कि प्राणनाथ जी हमारे बीच में नहीं है। एक हमारे सुंदर साथ है, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से लिखते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत सुंदर लिखा था फेसबुक पर, मैंने पढ़ा। वो लिखते हैं कि हम काव्य की शैली में लिखा, मैं उनका भाव बता देता हूँ कि तीज और चौथ को हम ही प्राणनाथ जी के जाने का शोक मनाते हैं और फिर शरद पूर्णिमा को उन्हीं प्राणनाथ जी के साथ रास मनाने के लिए हम सब सुंदर साथ उसी पन्ना जी में पहुंच जाते हैं। ये कैसे विडंबना है। तो श्री जी हमें छोड़कर के कहीं नहीं गए हैं, लेकिन महामती जी इंद्रावती जी की आत्मा की जो शोभा है, महामती जी के हृदय में एक भाव जो हमेशा से रहा था, क्या कहते हैं, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखियो जीव,
बलते आप खड़ी करी कछु कारज अपने पिऊ। उनके मन में जागने की इच्छा नहीं थी, उनके मन में क्या इच्छा थी, अपना सर्वस्व प्रियतम को समर्पित करके प्रियतम के प्रेम में डूबना। इसलिए उनके मन में न चर्चा की इच्छा थी, न जागनी करने की इच्छा थी, लेकिन राज्य ने अपना बल दिया कि जागनी करनी है। इसलिए किरंदर की वाणी में उन्होंने कहा कि पर पीवना प्रेम और मगन न होना या विध और है मुश्किल, कि राजी के प्रेम रस का पान भी करना है और उसमें मगन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो राजी ने ऐसा कराया है। और इसी विडंबना को उन्होंने खिलवत की वाणी में भी व्यक्त किया कि रे रूह करे ना कछु अपनी केतु उर्जी उम्मत माहे। तो उनके मन में ये भाव था कि मुझे परम धाम के आनंद में डूबना है। यदि पांचवें दिन की लीला को बंद नहीं किया जाता तो ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा जो जागने की लीला है, जिसको हम छठा दिन मोमिनों का कहते हैं, वो प्रारंभ कैसे होता। वाणी क्या कहती है कि दिन एते हक जस गाइया लदुन्य का पेवरा कर हके हुकम हाथ अपना दिया जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। और क्या कहते हैं, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम, अब हुक्मे द्वारा खो लिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। अब ब्रह्मात्माओं को भी तो शोभा देनी है, छठे दिन की लीला जो निश्चित है वो तो होनी ही है, इसलिए पांचवें दिन की लीला को समाप्त करना आवश्यक था, जिसकी भूमिका बन चुकी थी। छठे दिन की जो जागनी लीला है वो ब्रह्मात्माओं के द्वारा होनी थी और होनी है, तो ब्रह्मात्माएं अब तैयार हो रही थी। तो लालदास जी जैसे योग्य सुंदर साथ योग्य ब्रह्मात्मा जिनको अमृत मोमिनी अर्थात सिद्धार्थ ब्रह्म सृष्टि की स्वभाव की छत्र साथी लालदास जी जिनको महामती जी की शोभा मिली, ऐसे ऐसे सुंदर साथ तैयार हो रहे थे, चाहे वो छत्रसाल जी हो चाहे लालदास जी हो। जिस समय श्री जी अंतर ध्यान लीला करते हैं उस समय लक्ष्मीदास जी की भी वो पहचान की अवस्था होती है। इनके अलावा चाहे केशवदास जी हो चाहे अन्य ब्रह्ममुनि हो, वे सब मिलकर के जागने के रथ को जागने के अभियान को आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, योग्य होते हैं। इसलिए श्री जी ने सही समय और परिस्थिति को चुन करके अब परमधाम के उस प्रेम में राज्य के उन सागरों में राज्य के हृदय में जो सागर हैं उनमें डूबने का भाव लिया मन में और समाधिस्थ हुए। और तीज के दिन दोपहर तक अब उन सुंदर साथ का मैं वर्णन कर रहा था, सबने देखा श्री जी बैठे हुए हैं, श्री जी ने समाधि तोड़ी, समाधि भंग की और उन सुंदर साथ को कहा कि आपने अब तक भोजन क्यों नहीं किया। श्री जी समझ गए, उन सबको भेजा और जाकर के सुंदर साथ अब क्योंकि जल्दीबाजी में वही खिचड़ी ही बनाई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने जिसको जैसे जैसे मिला जैसा बन पड़ा वैसा जल्दी जल्दी में खा करके आए। जब वापस आए तब तक श्री जी पुनः समाधिस्थ हो चुके हैं और ये खबर महाराजा छत्रसाल जी तक भी पहुंचाई जा चुकी है। उस समय छत्रसाल जी पन्ना जी में नहीं थे और छत्रसाल जी तक अभी ये खबर पहुंची भी नहीं थी, लेकिन उनके मन में ये अंत प्रेरणा हो चुकी थी कि श्री जी अपनी लीला को अब छिपाने जा रहे हैं। उनके मन में ये भाव आया तो अब अगले दिन, क्योंकि तीज की तो रात को भी पूरी रात श्री जी ध्यान में बैठे हुए समाधिस्थ हैं, चौथ के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही छत्रसाल जी अपने घोड़े भले भाई को लेकर श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। रास्ते में एक नदी पड़ती है, कौन सी नदी, केन नदी। उस समय आज की तरह पुल नहीं था, लेकिन क्योंकि श्री जी से मिलने की तड़प ऐसी है कि उन्होंने अपने घोड़े भले भाई को नदी में ही कुदा दिया। नदी का बहाव, क्योंकि सावन का महीना है ना, सामान्य अवस्था में भी जब आप पन्ना जी जाते हैं खजुराहो की तरफ से नदी देखते हैं तो उसमें पानी काफी है। अब सामान्य अवस्था में जब ऐसी बात है तो सावन के महीने में तो बाढ़ आई हुई थी,
घोड़ा बहने लगा। जैसे तैसे करके छत्रसाल जी पार होते हैं। उनको पता नहीं कि वो कैसे पार हुए हैं। अब नदी पार करके कुछ समय के बाद में पन्ना जी पहुंचे। पन्ना जी पहुंचे तो वहां पर देखा कि शुभ संतप्त है पूरा सुंदर सा। एक तरह से कहा जाए तो मातम छाया हुआ है। कई सुंदर साथ के वहां पर पार्थिव शरीर पड़े हुए हैं, मृतक शरीर पड़े हुए हैं। और ये जहां तक मैं समझता हूं कि संपूर्ण मानव समाज के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना होगी जिसमें किसी एक के अंतर्धान होने की खबर सुन करके इतने अधिक लोगों ने एक साथ देह त्याग किया हो। इससे पहले चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण हो, सबने अपना तन छोड़ा। बुद्ध ने भी निर्वाण लिया, उनका भी तन छूटा। जितने महापुरुष हुए सबने तन छोड़ा, पर मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई भी इस तरह से गया होगा। यदि किसी ने बहुत अधिक दुख में अपना तन छोड़ा भी होगा तब भी इतनी अधिक संख्या में सुंदर साथ नहीं होंगे। लेकिन पन्ना जी में तो बहुत अधिक संख्या में सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ा था। अब छत्रसाल जी को अनहोनी की जो आशंका थी उनको लगा कि अब वो अनहोनी हो चुकी है। चौथ का दिन है, पहुंचे जहां श्री जी हैं। श्री जी समाधिस्थ अवस्था में हैं। अब पुकार भी रहे हैं तो क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यह वैसे ही अवस्था है, यदि आप सबने प्रेम का चांद पढ़ा है तो आप शायद इस बात को समझ पाएंगे। प्रेम के चांद में वर्णन है बड़े महाराज जी का, श्री रामरतन दास जी का, कि किस तरह से वो एक मंदिर में समाधि अवस्था में थे और लोगों ने उनको मृतक समझा और वे बड़े महाराज जी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे। और जब राजनारायण दास जी आए उन्होंने देखा, वो समझ गए कि इन्होंने अपने प्राणवायु को दसवें द्वार पर चढ़ाया हुआ है। तो कुछ इसी प्रकार की अवस्था थी श्री जी की, लेकिन छत्रसाल जी भी नहीं समझ पाए क्योंकि ऐसी अवस्था में बुद्धि कार्य नहीं करती है। मैंने पहले ही कहा कि जिन्होंने हाथ पकड़ करके परम नाम दिखाया हो, जिनकी साक्षात अक्षरादित्य रूप में पहचान करके जिन ब्रह्म मुनियों ने सेवा की हो, तो उनका वियोग, उनका बिछोहा सहन करने का सोच करके बुद्धि कैसे कार्य कर सकती थी। तो वाणी क्या कहती है, सुनत बिछोहा आदि का पीछे साबित राखे पिंड, धिक धिक पड़ो तिन अगले, वह नहीं वतनी अखंड। तो ऐसा ही भाव उन ब्रह्म मुनियों ने लिया और ऐसा ही भाव छत्रसाल जी भी लेते हैं। और छत्रसाल जी अपनी कटार निकाल लेते हैं मयान से और कहते हैं कि जिस विजयी तलवार ने, क्योंकि उनकी जो तलवार थी विजयी थी श्री जी के आशीर्वाद से, कोई भी युद्ध उन्होंने नहीं हारा था। तो वो कहते हैं कि जिस विजयी तलवार से मैंने शत्रुओं के मान का मर्दन किया है, अर्थात शत्रुओं को हराया है, आज यही कटार से मैं अपने स्वयं का प्राणांत करना चाहता हूँ। और ऐसा सोच करके वो अपना प्राण देना चाहते हैं, अपनी जान देना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं कि श्री जी नहीं है तो मैं भी नहीं रहूंगा। इतने में श्री जी अपनी समाधि तोड़ करके छत्रसाल जी को रोक लेते हैं और कहते हैं, छत्ता क्या तूने मेरी इतनी ही पहचान की है? मैं कभी भी तुम्हें या किसी भी सुंदर साथ को छोड़कर नहीं जा सकता। अब चूंकि छठे दिन की लीला प्रारंभ होनी है तो मैं इस तन से जागने की लीला को समाप्त कर रहा हूँ, अपनी लीला को मैं समेट रहा हूँ। लेकिन यदि तुम्हें मुझे देखना है तो तुम सुंदर साथ के हृदय में देखो, और यदि तुम्हें मुझे देखना है तो ब्रह्मवाणी में देखो। इसीलिए जब हम शाम की सेवा पूजा करते हैं तो वहां कहते हैं, आरती अंग चतुर्दश घेरी, पांच स्वरूप मिल एक भैरी। राज्य के 14 अंग चरण से लेकर के नयन तक 14 अंगों का वर्णन हम वाणी के रूप में करते हैं। पांच स्वरूप जो महामती जी के हृदय में पांच शक्ति विराजमान है उसको भी हम ब्रह्मवाणी में वांग्मय रूप में, ज्ञानमय रूप में मानते हैं। तो ये आदेश दिया उन्होंने
जागनी का उत्तरदायित्व छत्रसाल जी को सौंपा और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं समाधि होने जा रहा हूँ, समाधि लेने जा रहा हूँ, कोई भी मुझे मेरा ध्यान भंग ना करे। अब श्री जी को झूले पर पधराया गया, अब वो समाधिस्थ हुए। यहां तक वर्णन आता है कि समाधिस्थ होने के एक वर्ष बाद तक भी श्री जी बीच बीच में लालदास जी से, छत्रसाल जी से या अन्य प्रमुख ब्रह्म सृष्टियों से सुंदर सार से मिला करते थे, उन्हें जागने के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया करते थे। एक प्रसंग आता है जो परंपरागत रूप से चली आ रही कथा है, वो इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बूढ़ी माता चुपके से गुम्मट जी का जो, जिसको आज की भाषा में तहखाना कह सकते हैं, जहां श्री जी झूले पर विराजमान है वहां पर पहुंची और वो अपनी शायद बेटी की शादी के लिए कुछ मांगने गई थी। तो श्री जी को लगा कि यदि ऐसी ही परंपरा रही, यही प्रक्रिया रही, तो बार बार लोग मुझे परेशान करते रहेंगे और मैं अपने उस आनंद में, उस प्रेम के आनंद में नहीं डूब पाऊंगा। इसीलिए श्री जी ने आदेश दे करके उस दरवाजे को बंद कराया गया। आज भी पन्ना जी में ऐसे ऐसे ब्रह्मात्माएं, ऐसे ऐसे ब्रह्म मुनि सुंदर साथ हैं जो ये बताते हैं, जो उन आड़ी का लीलाओं का वर्णन करते हैं कि किस तरह से आज भी जो सुंदर साथ सच्चे हृदय से जाते हैं, अपना संपूर्ण प्रेम लेकर के जाते हैं, उन्हें श्री जी दर्शन देते हैं, उन्हें श्री जी अपना अनुभव देते हैं। इसीलिए पन्ना जी हम सभी सुंदर साथ के लिए श्रद्धेय है, पन्ना जी हम सब के लिए पूज्य है और हम सभी सुंदर साथ के लिए वह जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। आज छठे दिन की लीला में कोई भी ब्रह्मात्मा जागृत होकर के अपना तन छोड़ती है तो उसकी जो सुरता है वो पन्ना जी में विराजमान महावती जी के हृदय धाम में जाकर के समाहित होती है और जीव भी वहीं पर जाता है। इसीलिए ये पन्ना जी की महिमा है कि आज भी वहां पर श्री जी विराजमान है। इस प्रकार ये चौथ के दिन की लीला थी। लालदास जी को यह आदेश हुआ कि आगे आने वाले सुंदर साथ के लिए, वाणी कहते ना चरणे आए सो तो सही, पर पिछले सात कारण वाणी कही, तो जो सुंदर साथ उस समय जागृत हो गए उनके लिए तो उस समय श्री जी थे ही प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बाद में आने वाले सुंदर साथ के लिए वाणी का अवतरण हो रहा था और उन्हीं सुंदर साथ को, हम जैसे सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए इस बीतक ग्रंथ का लेखन कार्य करने का आदेश हुआ श्री लालदास जी को। और लालदास जी ने अपने अहंकार का सर्वस्व समर्पण करते हुए महामती जी के छाप के साथ, हर प्रकरण में आप अंतिम में महामती शब्द पढ़ेंगे, लिखने की जो शोभा है वो शरीर किसका है, लालदास जी का, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व महामती जी के चरणों में समर्पित की और इस बीतक ग्रंथ का लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। और प्रारंभ में श्री लालदास जी लिखते हैं, अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते, अथ शब्द का वर्णन आता है। अथ जो शब्द है ये मंगलाचरण के रूप में प्रयोग होता है। मंगलाचरण का तात्पर्य कि जो हम आचरण करने जा रहे हैं, अर्थात जो कार्य हम करने जा रहे हैं ये मंगलमय तरीके से संपन्न हो, इसके लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के जितने ग्रंथकार हैं वे या तो अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं या ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थ का शाब्दिक अर्थ तो होता है अब, लेकिन जो प्रयोग हुआ है वह मंगलाचरण के रूप में हुआ है। जैसे योग दर्शन प्रारंभ करते हुए पतंजलि मुनि लिखते हैं, अथ योग अनुशासनम, इसका भाव क्या हुआ, मंगलाचरण लिखने का भाव यह है कि ग्रंथकार अहंकार की ग्रंथि न पालते हुए परमात्मा के ध्यान में डूबकर अपने अहम को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए परमात्मा के आदेश को
स्वीकारते हुए शिरोधार्य करते हुए ग्रंथ लिखने का कार्य प्रारंभ कर रहा है, ऐसा सोचकर अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पतंजलि मुनि ने कहा अथ योग अनुशासनम। इसी तरह से वेदांत दर्शन में व्यास मुनि लिखते हैं प्रारंभ में सबसे पहले सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। इसी प्रकार सांख्य दर्शन का कथन है अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तो अथ का अर्थ है अब। इसी तरह वेद मंत्रों में ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है और हमारी वाणी जहाँ प्रारंभ होती है तो वाणी की पहली चौपाई का पहला शब्द उसका भाव भी क्या होता है अब। गुजराती भाषा की चौपाई है ना, हवे पहला मोह जलनी कहो बात, तो ये मंगलाचरण के रूप में प्रयोग हुआ है। जहां जहां भी ऐसे प्रमुख प्रसंगों का वर्णन मिलेगा वाणी में वहां अब शब्द से ही प्रारंभ हुआ है। आप लोगों ने, हमारे जितने विद्यार्थी हैं, आपने अभी अभी प्रकाश की वाणी में प्रकट वाणी पढ़ा है ना, प्रकाश की वाणी समाप्त हुई है ना, तो प्रकट वाणी की पहली चौपाई क्या है अब लीला हम जाहिर करें, है ना। लगातार अब शब्द से कितनी चौपाइयां हैं, मेरे विचार से 6 या 7 चौपाई होंगी। अब लीला हम जाहिर करें, फिर अब सुनियो मूल वचन प्रकार, इसी तरह से अब शब्द से प्रारंभ होने वाली चौपाइयां हैं। परिक्रमा ग्रंथ में प्रेम का सुंदर वर्णन करने से पहले क्या कहा, अब कहूं रे इष्ट की बात। तो ये सभी जो शब्द हैं ये मंगलाचरण सूचक शब्द हैं और श्री लालदास जी भी महामती जी के ऊपर समर्पण करते हुए अथ शब्द का प्रयोग करते हुए अब तीनों स्वरूपों के भीतर लिखने जा रहे हैं। अब तीन स्वरूप के विषय में समाज में 2 तरह की विचारधाराएं चलती है। एक वर्ग कहता है कि 3 स्वरूप का तात्पर्य बसरी मलकी और हकी है, जैसा कि वाणी कहती है बसरी मलकी हकी कहीं मोहम्मद 3 सुर। और दूसरा वर्ग है वो क्या कहता है कि नहीं, वाणी में बसरी स्वरूप का ज्यादा वर्णन नहीं है। तो उस हिसाब से देवचंद्र जी, श्री जी और महाराजा छत्रसाल जी का ही वर्णन होना चाहिए। और इस विषय में भले ही कोई भी वर्ग क्या कुछ भी कहे लेकिन वीतक का कथन क्या है, श्री लालदास जी कृत वीतक में ही कहा गया है कि 4, 5 और 6 दिन तब जाहिर हुए अरस, 4, 5 और 6 दिन में परम धाम की लीला को एक जाहिर होने का वर्णन है। इसी तरह से क्या कहा है, लिखी 120 वर्ष सोई शरद पुराण में लिखी 120 वर्ष। तो 120 वर्ष की लीला कब से प्रारंभ होगी, विक्रम संवत 1638 से। यदि बसरी स्वरूप मोहम्मद साहब को दिया जाए तब तो लगभग 1100 वर्ष की लीला हो जाती है और 4, 5, 6 भी नहीं होगा, फिर कौन सी लीला होगी, 3री, 4थी और 5वें दिन की लीला होगी। तो इस तरह से जहां वाणी में 3 स्वरूपों का वर्णन आता है वहां बसरी मलकी और हकी 3 स्वरूपों को ही समझा जाएगा, लेकिन वीतक में 3 स्वरूपों का जो वर्णन है वह देवचंद्र जी, श्री जी और छत्रसाल जी का ही वर्णन मानना पड़ेगा, क्योंकि बसरी स्वरूप से संबंधित पूरी वीतक में मेरे ख्याल से 1 दर्जन चौपाई भी नहीं होगी, जबकि छत्रसाल जी से संबंधित, छत्रसाल जी के प्रसंग से संबंधित 1000 से भी अधिक चौपाइयां हैं जिनमें छत्रसाल जी का प्रसंग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आता है। तो इस तरह श्री लालदास जी 3 स्वरूपों के भीतर लिखना प्रारंभ करते हैं। अब चौपाई में आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि वीतक सुनने की आवश्यकता क्यों। जिस प्रकार संसार में विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं, वेद जिसको ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है, उनके व्याख्यान ग्रंथ हैं उपनिषद आदि, आरण्यक है, उपनिषद है, दर्शन है, फिर पौराणिक साहित्य है, फिर कतिपय पक्ष के ग्रंथ हैं,
और इतने धर्म ग्रंथों के होते हुए भी हम वाणी और भीतर की चर्चा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी उन सभी धर्म ग्रंथों को खोलने की चाबी है, उन रहस्यों को खोलने की चाबी है। वाणी उन धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलती है। अब भीतर की आवश्यकता क्यों? तो भीतर जो है वो वाणी के रहस्यों को खोलने की चाबी है। कैसे, ये कैसे संभव है? देखिए, जब तक हम बीतक को नहीं समझेंगे तब तक वाणी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए, आपने सबसे पहली चौपाई पढ़ी हवे पहला मोह जलने कहो बात, अथवा रास ग्रंथ के बारे में आपने सुना, तो आप कैसे समझेंगे कि रास ग्रंथ क्या है? बीतक पढ़ेंगे तो समझेंगे कि पहले हम ब्रज में आए थे, फिर रास में गए, रास में इस तरह से हमने आनंद की लीला की थी। तो जब हम रास की वाणी पढ़ेंगे तो समझेंगे कि अच्छा, ब्रज के बाद हम रास में गए थे। इसी प्रकार ये जो हवे पहला मोह जल नहीं कहूं बात, जो माया के संबंध में प्रकरण है, ये किसको प्रबोधित करने के लिए उतरे थे? तो आप कहेंगे जयराम भाई कंसारा को। ये कौन है जयराम भाई कंसारा? कौन है? कहाँ के सुंदर साथ है ये? दीपबंदर के। अच्छा, दीपबंदर के ही आपको कैसे पता चल रहा है? भीतर से। आपने ये किरंतन सुना होगा, सुनो रे सत के बन जा रे, किसको प्रबोधित करने के लिए उतरा है? चिंतामणि जी को। कैसे पता चला? भीतर से। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, किसका भाव है ये? ललिता सखी का। ललिता सखी कौन थी? मेरता की सुंदर साथ है ना। कैसे पता चला? है कि नहीं? खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन सब ग्रंथों का अवतरण कहां पर हुआ? हाँ जी, पन्ना जी में। कैसे पता चला? अच्छा, इन सबको छोड़ देते हैं, वाणी कहां पर अवतरित हुई, अगर ये भी आपको बताना है, या वाणी किसके द्वारा अवतरित हुई? हाँ जी, इंद्रावती जी के द्वारा। कैसे पता चला? समझे? तो इस तरह से बिना बीतक पढ़े वाणी आप नहीं समझ सकते। तो बीतक जो है वो वाणी का पूरक है। इसको हम अलग ग्रंथ के रूप में ना लें। ये लालदास जी की व्यक्तिगत रचना नहीं है और न ही वाणी मिहिरराज जी की रचना है। दोनों की जो शोभा है वो महामती जी को मिली है और राज जी ने ही हम ब्रह्म सृष्टियों के जागने के लिए इनका अवतरण कराया है। इसीलिए बीतक सुनने की आवश्यकता है। वाणी अगर थियरी है कि क्या करना है, ये वाणी बताती है, तो बीतक बताती है कि कैसे करना है। क्योंकि बीतक में सैकड़ों दृष्टांत हैं अलग अलग सुंदर साथ की लीला के रूप में। तो क्या करना है ये बताने के लिए हमारे पास वाणी है, और कैसे करना है ये बताने के लिए हमारे पास बीतक है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष बीतक सुनते हैं, उसके साथ में स्वयं की तुलना करते हैं कि पिछले साल की दो महीने की बीतक सुनने के बाद इस वर्ष की बीतक के बीच में हम में कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। यदि नहीं हुआ है तो सुनने का कोई लाभ नहीं है। और इस बार सुनेंगे, इस वर्ष सुनेंगे, अगले साल तक वैसे के वैसे ही रहे, हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई, तब भी इस वर्ष सुनने का कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए हम जब भी बीतक सुने तो खुले हृदय से सुने, अपनी कमियों को देखते हुए सुने, और हमें अपनी कमियों को कैसे दूर करना है उन सब को सोचते हुए सुने। ब्रह्म सृष्टि क्या करती है? तौल मोल दिल माफक, है ना। ब्रह्म सृष्टि तुलना करती है, मूल्यांकन करती है। तो मूल्यांकन तुलना केवल दूसरों की नहीं होती, मूल्यांकन स्वयं की जाती है। सबसे पहले आत्मनिरीक्षण किया जाता है, और बीतक हम सब सुंदर साथ के लिए आईना है। आईना में देख करके हम पता लगाते हैं ना कि हमारे चेहरे में कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमी है। बीतक देख करके हम अपने आप में तुलना करके देखते हैं कि हमें क्या क्या कमी है जो नहीं होनी चाहिए, हमारे चरित्र में कहाँ कहाँ पर दाग है जो नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमें बीतक से पता चलता है, जो कि हम सब के लिए आईना है। और उस बीतक का प्रारंभ करते हुए सबसे पहले चौपाई में श्री लालदास जी कह रहे हैं,
भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में चारों युगों के राजाओं का वर्णन है। 18 पुराण हिंदू धर्म में माने जाते हैं, 18 उप पुराण भी है। 18 पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण, और इसमें चार युगों के राजाओं का वर्णन किया है। कितने राजाओं का वर्णन लालला जी ने किया है यहाँ पर, क्योंकि हम तो हर वर्ष भी तक सुनते आए हैं इसलिए शायद पता हो। 17 राजा सतयुग के हैं, त्रेता के हैं 29, द्वापर के 19 और कलयुग के हैं 20। क्या केवल 17, 29, 19 और 20 राजा ही हुए चार युग में मिलाकर? कलयुग की जो आयु है अभी 5000 वर्ष की है अभी, और इन 5000 वर्षों में देखिए, एक औसत रूप से देखा जाए किसी एक भूभाग में, वैसे तो भारतवर्ष में ही एक ही समय में 20 से ज्यादा राजा हुए होंगे, लेकिन मान लो कि पूरे भारतवर्ष का एक राजा मान लिया जाए, तब भी औसतन एक राजा की जो आयु है राजा बनने के बाद लगभग 30 वर्ष की होती है। लगभग औसत 25 से 30 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति राजा बनता है। उस हिसाब से देखा जाए तो 5000 वर्षों में कितने राजा हुए होंगे? कई 100 राजा हुए होंगे, है कि नहीं? लेकिन केवल 20 राजाओं का वर्णन आता है। इसी तरह से त्रेता युग में, द्वापर युग में, सतयुग में क्या 17 राजा सतयुग में हुए होंगे? सतयुग की जो अवधि भी कितनी बताई जाती है? लगभग 17 लाख वर्षों की। तो 1-1 लाख वर्ष एक राजा की उम्र थी? नहीं। राजा किसको कहते हैं? एक शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कहते हैं राजनीदीप्तो, जो दिव्यमान हो, प्रकाशित हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो अपने समय का जो किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो उसे राजा कहा जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति गायन कला में यदि अत्यंत निपुण है तो उसको स्वर सम्राट कहा जाता है, कि नहीं? तो इसका मतलब वो राजा नहीं है। यहाँ राजा का तात्पर्य केवल शासन करने वाला, राज सिंहासन पर बैठने वाला नहीं। कोई व्यक्ति हृदय पर राज कर सकता है, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ बीतक में केवल उन राजाओं का वर्णन नहीं है जिन्होंने राज सिंहासन पर बैठा और राज्य किया हो। यहाँ पर तो ज्ञान के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में, समर्पण के क्षेत्र में, और नकारात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भी क्रूरता के क्षेत्र में यदि किसी ने अपना नाम कमाया हो, क्योंकि दुनिया तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों को याद रखती है ना, राम के साथ रावण को भी तो याद रखा जाता है, तो वो राक्षस राज है, ये देवराज है। तो इस तरह से बीतक में 5 कोटि के राजा हैं। एक देवी देवता है, दूसरे ऋषि मुनि हैं, तीसरे वीर हैं क्षत्रिय, चौथे हैं साधारण मनुष्य, और पांचवें हैं मुगल। तो इस तरह 5 प्रकार की श्रेणी में राजाओं को रखा गया है, और उन राजाओं का वर्णन करना लालदास जी का उद्देश्य नहीं है। लालदास जी का उद्देश्य क्या है? ये बताना कि भविष्य पुराण में 4 युगों के राजा का वर्णन किया, और वर्णन करते हुए 4th जो कलयुग है वो भी 4th कलयुग कैसे?
सातवें वैवस्वत मन्वंतर के 28वीं चतुर्युगी का चौथा युग है ये। एक युग अर्थात जो कलयुग है, इसी तरह कलयुग, द्वापर, त्रेतावन, सत्य, जब ये चारों युग एक बार सर्कल घूमते हैं, एक बार व्यतीत होते हैं, तो इनको चतुर्युगी कहा जाता है। और इसी तरह से ये 28वीं चतुर्युगी है और 28वीं चतुर्युगी का ये कलयुग है। और इस कलयुग में अंतिम में जब औरंगजेब राजा होगा, उस समय परब्रह्म अक्षरातीत इस कालमाया के ब्रह्मांड में जिनको दुनिया अब तक राह देख रही थी, वह विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में प्रकट होंगे, जिनको कतिम पक्ष आक्रुल इमाम मोहम्मद मेहदी कहेगा। तो ये बताने के लिए श्री लालदास जी ने उन चारों युगों के राजाओं का वर्णन किया, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि 17 राजा सतयुग में एक कहियो राजा कृत, तीन अपनी भुगति तापर भयो कृत दत्त। 17 राजा हुए सतयुग में, उन राजाओं का नाम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि इन सब की कहानी जानने में मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई दिलचस्पी है, ना बताने में मुझे कोई रुचि है, क्योंकि राजाओं की कहानियां, इतने सारे राजा हैं, अगर एक दिन में हम चार चार राजा की कहानी भी सुनेंगे तब भी 2 हफ्ते तो इसी में लग जाएंगे, तो इसलिए अनावश्यक है। हम केवल इतना जानेंगे कि कौन कौन से राजा हुए। तो सतयुग में राजा कृत हुए, जिन्होंने अपना राजपाट भोगा, उसके बाद कृतदत्त राजा है। कृतदत्त के बाद अंत, उसके पश्चात मुचकुंदवा, मुचकुंदवा के पश्चात भैरवानंद, और तत्पश्चात कंभो नाम के राजा हुए। उसके बाद आदि राजा हुए, फिर हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के बाद उसका पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के बाद उसका पुत्र विरोचन, विरोचन के बाद बलि भगत, और उसके बाद फिर लोचन बलि राजा हुए। उसके बाद वाणासुर, कपिलाक्ष, कपिलभद्र, जरासरी और धूम ऋषि, ये इतने 17 जो राजा हुए, 17 लोग हुए, ये सतयुग के राजा थे। अब इसमें देखिए, कृत, कृतदत्त इत्यादि सामान्य राजा हैं, मुचकुंदवा भी सामान्य राजा है पर अत्यंत प्रतापी माने गए हैं, हिरण्यकश्यप राक्षस है जिसका पुत्र प्रहलाद राक्षस कुल में उत्पन्न भक्त है, और उनके जो पुत्र हैं विरोचन, बलि इत्यादि, ये सभी राक्षस कुल के हैं, और कपिलाक्ष, कपिल भद्र, धूम ऋषि, ये सब ऋषि हैं। इन सब ने अपने समय में अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया होगा, इसलिए उनको राजाओं की श्रेणी में रखा गया है। अब उसके बाद त्रेता युग के राजाओं का वर्णन आता है, जिसमें कहते हैं प्रथम तो ब्रह्मा भयो तापर मारीच नाम, पहले ब्रह्मा राजा हुए, ब्रह्मा के बाद मारीच, उसके बाद कश्यप, फिर सूरज, तव छत्र, अक्षय भा, अरण्य भा, विश्वामित्र। विश्वामित्र देखिए ये राजा भी थे, फिर बाद में राजपाट छोड़ करके ये सन्यासी अथवा साधु बने, ऋषि बने, और एक समय में जाकर के ये ब्रह्मर्षि कहलाए, सप्तर्षियों में इनकी गणना होती है। उसके पश्चात महामंत्र, फिर चिमन, और फिर भद्र उद्वन राजा हुए। उसके बाद त्रिशंकु, फिर हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व, तत्पश्चात मानधाता, सगर, आशामित्र, भगीरथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो गंगा को लेकर के आए थे पृथ्वी पर। उसके पश्चात दिलीप, रघु, अज, दशरथ, रामचंद्र, रामचंद्र के बाद लव, फिर अंतभान, उसके बाद कैलखी, बबरभान, सुदर्शन, अग्निवर्ण, ये 29 राजा त्रेता के हुए, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि सूर्य वंश के कहलाते हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी तो सतयुग में ही होंगे, लेकिन उनको त्रेता युग में क्यों वर्णन किया गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र हैं मारीच, जिनको कहा जाता है मरीची है, मरीची सूर्य को भी कहा जाता है, ठीक है,
और मरीचि के बाद कश्यप, तो उस परंपरा में सूर्य जो वंश है वो प्रारंभ होता है। तो सूर्य वंश के जो आदि पुरुष कहलाते हैं वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, इसलिए त्रेता युगों के राजा में उनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार द्वापर युग में इंद्र का वर्णन है, इंद्र के बाद चंद्रमा, क्योंकि द्वापर युग में चंद्रवंशी राजाओं की प्रधानता रही है, त्रेता युग में सूर्यवंशियों की। चंद्रमा के बाद पूर्वा, फिर निर्मोक्ष, तत्पश्चात शांतनु, शांतनु के बाद चित्रांगद, चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य, उसके बाद व्यास। व्यास तो राजा नहीं हुए थे, व्यास अपने समय के सबसे बड़े विद्वान थे, इसलिए उनको राजा की श्रेणी में लिखा गया। व्यास के बाद हुए पांडव, पांडव के बाद यहाँ पर अर्जुन का वर्णन किया है, जबकि अर्जुन तो राजगद्दी पर बैठे ही नहीं, राजगद्दी पर कौन बैठे थे? युधिष्ठिर। तो अर्जुन का वर्णन क्यों किया? क्योंकि अर्जुन अपने समय के सबसे बड़े योद्धा थे, और यदि युधिष्ठिर गाड़ी पर बैठ पाए हैं तो उनका भी कारण कौन है? अर्जुन। उसके बाद है अहिवर्ण, फिर क्षेत्रनग, फिर संतन, बलिवान, बलिचंद, परीक्षित और जन्मेजय, ये सब द्वापर युग के राजा कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं कलयुग के राजा, कलयुग के कितने राजा हैं? 20। देखिए 17 राजा सतयुग के हुए, 29 त्रेता के, 19 द्वापर युग के, और अब 20 कलयुग के राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यदु, फिर अजयपाल, महिपाल, गंधर्वसेन, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत प्रचलित है, फिर विक्रमाचक्र है, फिर राजा भोज। उसके बाद अब मुस्लिम जो आक्रांता है उनका वर्णन आता है, मोहम्मद गौरी है, सुल्तान अलाउद्दीन, उसके बाद नसीरुद्दीन, उसके बाद लोढ़ा महमूद, फिर बड़ा महमूद, फिर सूर खान, तैमूरलंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम शाह, शाहजहां, और फिर 20वां जो राजा है उसका नाम है औरंगजेब। अब औरंगजेब का वर्णन किया और लालदास जी क्या कहते हैं? ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी स्थान। जो 19वें राजा के पश्चात शाहजहां के बाद औरंगजेब राजा होगा, उस समय जिस बुद्धावतार की दुनिया प्रतीक्षा करती आ रही थी, वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जिनको हम विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं। विजयाभिनंद का अर्थ क्या होता है? विजय जिसका अभिनंदन करे, अर्थात जो कभी पराजित हो ही नहीं सकता उसको कहते हैं विजयाभिनंद। तो इस ब्रह्मांड में ऐसा तो कौन है? साक्षात स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म, जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता है, वही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलन स्वरूप है। और पुराण क्या कहते हैं? जैसा कि श्री लालदास जी वर्णन कर रही हैं, इसी प्रकार का वर्णन आता है पुराण के अंदर कि मही तले च म्लेक्षानां राज्य वंश प्रवर्तते परस्परे विरोधे च औरंगाख्यो भवेद् यदा। मही कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी में म्लेच्छों का, मुसलमानों का राज्यकाल चल रहा था और परस्पर विरोध था। परस्पर विरोध किसमें? उन्हीं लोगों में आपस में विरोध था। औरंगजेब राजा कैसे बना? शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा सिंह को सबसे बड़ा, उसके बाद औरंगजेब, मुराद और शुजा, ये 4 भाई हैं। मुराद और शुजा को शाहजहां ने बंगाल और पंजाब की सूबेदारी दी थी, औरंगजेब को दक्षिण में भेजा था, कभी हैदराबाद की तरफ, कभी महाराष्ट्र की तरफ, और दारा सिंह को दिल्ली में रहता था साथ में। दारा सिंह में भिन्न प्रकार का गुण था,
उसके अंदर वो क्रूरता नहीं थी, थोड़ी मानवता थी। सांप्रदायिक कट्टरता, जिसको इस्लामी कट्टरता कह सकते हैं, शरीयती कट्टरता, वो भी उसके अंदर नहीं थी। उसके बारे में तो प्रचलित है कि उसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था। अब उस समय के जो तत्कालीन मौलवी इत्यादि थे, उन्होंने सोचा कि बड़ा होने के नाते राजगद्दी किसको मिलेगी? दारा शिकोह को। लेकिन यदि ये बादशाह बनता है, यदि इसको गद्दी मिलती है तो क्या होगा? ये थोड़े कोमल प्रकृति का है तो ये हिंदुओं को छूट देगा, तो हमारा शरीयती जो साम्राज्य है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए कुछ भी करे, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके औरंगजेब को राजा बनाना जरूरी है। और औरंगजेब के मन में ये बचपन से ही भरते आए, वो जो इस्लामिक कट्टरता है वो सिखाते आए। अब औरंगजेब कट्टरता सीख सीख करके अंदर ही अंदर कुटिल कपटी बन चुका था। और दक्षिण में जो हैदराबादी निजाम था उसके साथ टक्कर लेते लेते, मराठाओं के साथ टक्कर लेते लेते वो राजनीति के दांव पे भी सीख गया था। तो उसने क्या किया कि बादशाह बनने के लिए अपने दोनों भाइयों को, मुराद और शुजा दोनों भाइयों को पहले तो अपने तरफ मिलाया, ये कहकर के उकसाया कि देखो शाहजहां ने, हमारे बाप ने मुझे और तुम दोनों को तो अपने से दूर भेज रखा है। तुम दोनों पंजाब और बंगाल में झेल रहे हो परेशानी, मैं दक्षिण में हूं और दारा शिकोह दिल्ली में बैठ करके मौज कर रहा है। इसलिए तुम दोनों अगर मेरा साथ देते हो तो मैं दिल्ली की गद्दी हथियाऊंगा और दारा शिकोह को बादशाह नहीं बनने देंगे हम मिल करके, और मिल करके हिंदुस्तान पर राज करेंगे। उसने कपट की। इनकी दो बहनें भी थी जिनका वर्णन इतिहास में आता है प्रमुख रूप से, हो सकता है इनसे भी ज्यादा हो, पर एक बहन जो है वो दारा शिकोह का समर्थन करती थी और जो दूसरी बहन है, एक का नाम था जहानारा, एक का नाम था रोशनारा, ये दोनों एक औरंगजेब का समर्थन करती थी और दूसरी दारा शिकोह का। और जो बहन औरंगजेब का समर्थन करती थी वो बहुत ही कुटिल थी। उसने धीरे धीरे पहले दिल्ली में रह करके देखा कि कौन कौन है जो दारा शिकोह के समर्थन में है, उनको धीरे धीरे अपने समर्थन में प्रलोभन के द्वारा डरा धमका करके अपने गुट में मिलाना शुरू किया। लेकिन अभी भी दिल्ली के पास सेना सबसे ज्यादा थी दारा शिकोह के पास। मुराद शुजा और औरंगजेब एक तरफ है और जितने भी हिंदू राज्य थे उस समय के जो दिल्ली के अधीन थे वे भी मदद किसको देते? दारा शिकोह को। लेकिन उसमें भी औरंगजेब ने गलत गलत प्रकार की चिट्ठियां भेज भेज करके, क्योंकि औरंगजेब की जो बहन थी उसने शाहजहां की जो मुद्रिका होती है अंगूठे वाली, जिसको आज की भाषा में स्टाम्प कह सकते हैं, ऐसा स्टाम्प चुरा लिया था और अब चिट्ठी भेजती थी राजाओं के बीच में उनको गुमराह करने के लिए। तो वो राजा, उन राजाओं में से कई राजा औरंगजेब के पक्ष में हो गए। उसके बाद भी दारा शिकोह शायद जीतता, लेकिन उसके पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। अपनी सेना को देखा कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, जीत रही है, वो खुद ही हाथी में बैठ करके आगे आ गया युद्ध करने के लिए, जबकि औरंगजेब इस मामले में काइया था, मतलब कुटिल था, कपटी। वो स्वयं युद्ध के लिए आगे नहीं आया, पर जैसे ही उसने देखा कि दारा शिकोह आगे आया है हाथी में बैठ करके, उसने अपने तीरंदाज को आदेश दिया कि दारा शिकोह पर बाण से, तीर से प्रहार किया जाए। और जैसे ही तीर से प्रहार किया वो घायल होकर के गिर पड़ा। जैसे ही दारा शिकोह घायल होकर के गिरा, अब पूरी सेना में भगदड़ मच गई कि हमारा तो सेनापति या जो राजा होने वाला था वो मर गया है, अब हम किसके लिए लड़े? तो इसलिए अब सेना में भगदड़ मच गई।
दारा सिंह को घेर लिया गया। और आप जानते हैं औरंगजेब ने अपने सगे भाई को लोहे की जंजीरों में जकड़ करके हाथी के पांव में बांध करके पूरे दिल्ली की परिक्रमा कराई थी घसीट घसीट करके, और उसके बाद उसकी गर्दन काट करके अपने पिता को तो जेल में डाल रखा था, जेल में डाल दिया था, और अपने पिता के सामने तोहफे के रूप में रुमाल से ढक करके भिजवाया था। और उसके बाद इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उस सिर को, कहा जाता है, ये सुनने में आता है, कई जगह पर पढ़ने में भी आता है, कई इतिहासकार लिखते हैं कि उसने दिल्ली में शहर में बीचों बीच, जो उस समय चांदनी चौक जो है वो सेंटर माना जाता था, तो वहां पर टंगवा दिया था ताकि लोग देख करके डरे, कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत ना करे। सोचे औरंगजेब कितना क्रूर था। तो आपस में इस तरह का विरोध था। अब जैसे ही दारा सिंह को राजा बना, दारा सिंह को मारा गया, औरंगजेब बादशाह बना, उसने क्या सोचा कि अब मुराद और सुजा इनकी बारी है, दोनों को भी उसने छल करके मरवा दिया, अपने पिता को भी मरवाया जेल में ही, तो सबको मरवा करके वो बादशाह बना था। तो ऐसी परिस्थिति थी जिस समय श्री प्राणनाथ जी अविजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हुए। इसीलिए कहा परस्पर विरोधे च औरंगाख्य भवेद्यदा, परस्पर में विरोध चल रहा होगा और औरंगजेब उस समय बादशाह होगा। तो इस प्रकार भविष्य पुराण का यह उदाहरण देकर के श्री लालदास जी ने विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने की बात बताई। अब आगे कहते हैं श्री महामति कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। आगे किसकी बीतक? अपनी बीतक। इससे पहले हमारी बीतक नहीं थी, इससे पहले तो राजा की कहानी थी, पर हमारी बीतक तो कहां से प्रारंभ होती है? मैंने पहले ही कहा था परम धाम से प्रारंभ होती है। तो अब आगे अपनी बीतक बताने जा रहे हैं जिसका शीर्षक क्या दिया है, महाकारण। महाकारण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? कारण का भी जो कारण होता है उसे महाकारण कहते हैं। लेकिन कारण किस चीज का होता है? कोई भी जो कार्य हो उसका कारण होता है, बिना कारण के तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता ना। प्रकट वाणी क्या कहती है, बिन कारण कारज नहीं हुए। अब कार्य क्या है, जो दिखाई पड़ता है, काम तो कोई ना कोई दिखाई पड़ता है ना कि ऐसा काम हुआ है, और जो काम होता है वो किसी न किसी कारण की वजह से होता है, और उस कारण का भी जो कारण है उसको महाकारण कहा जाता है। इसको और सरल तरीके से मैं कहता हूं, ये जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है ना, ये कार्य है, और इस सृष्टि के बनने का कारण क्या है, इस दुनिया के बनने का कारण ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाना, ये कार्य है, ये कारण है। और उस कारण का भी कारण क्या है, खेल दिखाना क्यों पड़ा, अपने प्रेम के स्वरूप की पहचान देने के लिए। वाणी क्या कहती है, रूहे बेनियाज थी बीच दरगाह बारह हजार, जाने ना आप हर्ष की साहेबी अपार। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां प्रेमानंद में सराबोर थी, डूबी हुई थी, लेकिन उसके स्वाद का, उसके लज्जत का पता नहीं था। जैसे भोजन की कीमत का पता किसको होता है, भूखे व्यक्ति को। एक व्यक्ति जो नियमित रूप से स्वादिष्ट भोजन ही करता हो उसको उसके स्वाद का महत्व पता ही नहीं होता है, वो खा रहा है, वो प्रिविलेज है, सौभाग्यशाली है कि उसे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला है, पर उस असली स्वाद की कीमत का पता होता है भूखे व्यक्ति को। जैसे एक चींटी है जो चीनी के डिब्बे में ही पैदा होती है, अंडे से फूट करके जीवन भर चीनी ही चीनी का स्वाद खाया हो तो उसको उसके बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, बशर्ते यदि उसको कुछ समय के लिए
नमक अथवा कोई दूसरा स्वाद दिया जाए तब उसे चीनी के स्वाद का पता चलेगा, वरना वो खा रही खाए जा रही है। इसी तरह से सभी ब्रह्म सृष्टियां, और ब्रह्म सृष्टियां कौन है, राज्य के ही आनंद अंग का स्वरूप है। तो उन ब्रह्मात्माओं को चूंकि अनादिकाल से आनंद में डूबे होने के कारण उस आनंद का स्वाद ही नहीं था, अब उसका स्वाद लेने के लिए एक बार उस आनंद से बाहर निकलना आवश्यक था। एक बार बाहर निकलते तो उसकी कीमत का पता चलता, उसका उसके स्वाद का पता चलता। इसीलिए राज जी ने हृदय में लिया और क्या कहते हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें गुजरक। राज जी की जैसी आज्ञा हो उसका वर्णन करने जा रहे हैं, कहते हैं अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब मैं दोबारा कहां की बीतक बताने जा रहा हूं, मूल मिलावे की। दोबारा कैसे, अभी तो बीतक शुरू हुई है और वर्णन तो किया ही नहीं इससे पहले, मूल मिलावे का वर्णन कहीं किया है, वाणी में किया है। चूंकि 1751 में बीतक लिखना प्रारंभ हुआ और वाणी में तो मूल मिलावे का वर्णन खिलवत ग्रंथ में पहले ही हो चुकी है, इसलिए अब पुनः मूल मिलावे की बात बताने जा रहे हैं। और कहते हैं पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इश्क। मूल अद्वैत क्या है, ये संसार द्वैत है, द्वैत का अर्थ है जहां पर दो हो। इस संसार में माया और जीव की लीला होती है, यहां पर मिलन और बिछोड़ की लीला होती है, यहां क्षणिक सुख और दुख की लीला होती है, इसलिए यह द्वैत का संसार है। योग माया की जो भूमिका है वह अद्वैत की भूमिका है, जहां पर अनादि ब्रह्म अपनी अनादि माया के साथ लीला करता है। लेकिन परम धाम की जो भूमिका है वो कैसी है, वो स्वलीला अद्वैत है। स्वलीला अद्वैत का तात्पर्य वहां पर जो कुछ भी लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, परम धाम में कितने पक्ष हैं, 25 पक्ष, तो परम धाम के 25 पक्षों के रूप में चाहे वो माणिक पहाड़ हो, चाहे वो पुखराज पहाड़ हो, चाहे 8 सागर 8 जमीन, ठीक है, वन की नहरें, जवर की नहरें, रंग महल, जिन जिन रूपों में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, और यहाँ तक कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के रूप में, श्यामा जी के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, खूब खुशालियों के रूप में लीला करने वाला कौन है, राज जी। तो स्व मतलब अपनी ही, राज जी की ही स्वयं की लीला है, अद्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए उस लीला को स्वलीला अद्वैत कहा जाता है, जहां की भूमिका में इश्क ही इश्क है, जहां पर प्रेम ही प्रेम है, वहां अगर रब्द भी होता है तो किसका रब्द होता है, प्रेम का ही, इश्क रब्द कह रहे हैं कि अगर किसी विषय में बात भी होगी तो प्रेम की ही बात होगी। और क्या बात होगी कि प्रेम किसका बड़ा है, झगड़ा नहीं है, विचार विमर्श कह सकते हैं इसको कि प्रेम किसका बड़ा है, कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, इस संसार में काल माया के ब्रह्मांड में प्रेम की बात को लेकर के भी झगड़ा हो जाता है कि कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। इस विषय में अगर बात शुरू होगी तो समापन कहाँ जाके होगी, झगड़े पे, ठीक है। लेकिन परम धाम में प्रेम की ही बात हो रही है कि किसका प्रेम बड़ा है, और वहां पर राज जी ने हुक्म दिया। हुक्म का मतलब क्या है, राज जी का हुक्म किसको कहेंगे, ऐसे नहीं कि उन्होंने आदेश दिया है कि तुम ऐसा करो, उसको हुक्म नहीं कहते। राज जी तो अपने दिल में जो कुछ भी लेंगे वो हुक्म ही है, क्योंकि हुक्म का तात्पर्य क्या होता है, आपने बोला और किसी ने उसको पूरा किया। राज्य अगर दिल में लेंगे तो वो पूरा होना ही है, इसलिए मूल स्वरूप के हृदय में जो कुछ भी इच्छा उत्पन्न होती है उसको हुक्म कहा जाता है। तो राज जी ने अपने हृदय में लिया और क्या कहते हैं, पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादे गुहर में, ए यो कर हुआ जरूर। सबसे पहले राज जी ने हृदय में लिया खेल के विषय में कि ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम की पहचान देनी है, और उसके बाद
अक्षर के हृदय में आया और फिर श्यामा जी सहित ब्रह्म सृष्टियों के दिल में खेल देखने की इच्छा हुई। कहते हैं एक खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, दो के मन में, दो के मन में मतलब किस किस के मन में, अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि तो 12,000 है तो दो के मन में कैसे, एक सत अंग और दूसरा आनंद अंग, इसलिए दो कहा गया है। 12,000 ब्रह्मात्मा सहित श्यामा जी आनंद अंग में आ जाती है तो सत अंग और आनंद अंग दोनों के हृदय में खेल देखने की इच्छा हुई। और कहते हैं अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए, आदि फल और अनादि फल क्या है, आदि किसको कहते हैं जिसका प्रारंभ हो और अनादि किसको कहते हैं जिसका प्रारंभ ना हो। तो अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते हैं वो कैसा है, आदि है, बनता है और मिटता है, संकल्प मात्र से खेल को बनाते हैं और मिटाते हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में इस बनने और मिटने वाले खेल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, इसको कहते हैं आदि फल। और अक्षर ब्रह्म के हृदय में अनादि काल से परमधाम में चलने वाली प्रेम लीला को देखने की इच्छा हुई, उसको क्या कहा जाएगा, अनादि फल। तो आदि फल और अनादि फल इसको कहा गया है। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे उस प्रेम रंग को थोड़ी और गहराई से कि किस तरह से भूमिका बधी, कैसे ब्रह्म सृष्टियों ने राज्य से खेल दिखाने की इच्छा व्यक्त की, किस प्रकार खेल को देखने के लिए सबसे पहले हम ब्रज मंडल में आए, ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन तक कैसी लीला हुई, उसके बाद रास में जाने की भूमिका कैसे बनी, रास किसे कहते हैं, रास में जाने के उत्तराधिकारी हम कैसे बन सकते हैं, और उसके बाद रास के पश्चात हम पुनः जब परमधाम में गए तो फिर क्यों हमने दोबारा इस माया के खेल को देखने की इच्छा व्यक्त की, इन सब की चर्चा सुनेंगे हम कल। आप सभी से आग्रह है जो सुंदर साथ बाहर से आए हैं अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को निजानंद दर्शन के सिद्धांत अवगत होंगे, हम अपने निजानंद दर्शन के सिद्धांत को दूसरे लोगों तक पहुंचा पाएंगे और इसमें सबका कल्याण होगा। बस इतना ही कहते हुए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, सब मिल करके चौपाई तो रहेंगे। एह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए, अनादि फल कहो सोए। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।